आज से करीब 66 मिलियन ईयर्स पहले एक एस्ट्रॉइड ने 10 बिलियन परमाणु बमों के बल के साथ पृथ्वी से टकराया और पृथ्वी पर विकास के क्रम को पूरी तरह से बदल दिया। आसमान में काली अंधेरा छा गया और प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस करना बंद कर दिया, जिससे सारे प्लांट्स और उन पर निर्भर करने वाले जीव भी मारे गए। खाद्य श्रृंखला पूरी तरह से ध्वस्त हो गई और जीवों में सभी प्रजातियों के 90% से भी अधिक जीव विलुप्त हो गए। उस एस्ट्रॉइड की तबाही से पैदा हुई धूल की जमने से मुट्ठी भर पक्षियों को छोड़कर सभी डायनासोर्स भी विलुप्त हो गए। लेकिन इस विनाशकारी घटना ने मानव विकास को संभव बनाया। जीवित स्तनधारी सहित छोटे प्रोटोप्राइमेट्स पृथ्वी पर धीरे धीरे विकसित हुए, जो आने वाले भविष्य में मानवों को विकसित करने वाले थे। लेकिन जरा सोच के देखिए, क्या होता अगर वो विशाल एस्ट्रॉइड पृथ्वी से ना टकराया होता और सभी डायनासोर्स बच जाते? यह आपको कोई साइंस फिक्शन की तरह लग सकता है, लेकिन यह विकास के बारे में कुछ गहरे सवालों पर उंगली उठाने पर मजबूर करता है कि क्या मानव विकास पृथ्वी पर एक संयोग मात्र है, या फिर छात्र दिमाग, उपकरण बनाने की क्षमता, भाषा और कम्युनिकेशन स्किल्स मनुष्य को पृथ्वी की सबसे डोमिनेंट स्पेसिस बनाया। पृथ्वी पर 7 महाद्वीपों पर 8 बिलियन होमोसापियंस है। वजन के हिसाब से सभी जंगली जानवरों की तुलना में अधिक मनुष्य है। लेकिन सवाल यह है कि क्या होता अगर पृथ्वी पर डायनासोर जीवित रहते? क्या मानव प्रजाति इतनी मात्रा में विकसित हो पाते, या फिर डायनासोर ही पृथ्वी पर आज के टाइम पर हावी होते? इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि डायनासोर आज भी मौजूद होते तो वे डायनासोर युग के अंत में हम जो सोचते हैं उससे बहुत अलग होते। आप अभी भी उन्हें एक डायनासोर के रूप में पहचान सकते थे, लेकिन कौन जानता है कि पिछले 66 मिलियन वर्षों में विकसित होने से किस तरह के शरीर के आकार और शरीर की योजनाएं सामने आई होती। जिन स्तनधारियों से आज हम परिचित हैं, डायनासोर्स की वजह से उनमें से कई को विकसित होने का अवसर ही नहीं मिलता। अधिकांश विशेषज्ञ इस बात से सहमत है कि हाथी गेंडों जैसे विशाल स्तनधारी जीव शायद विकसित नहीं हो सकते थे यदि बड़े डायनासोर पृथ्वी पर कब्जा करके बने रहते। लेकिन अगर हम इवोल्यूशन की नज़र से देखें तो बात कुछ और होती। हालांकि डायनासोर्स ने करीब 160 मिलियन वर्षों तक पृथ्वी पर राज किया, लेकिन उस समय मामल्स भी उनके साथ एग्जिस्ट करते थे, पर उनका साइज डायनासोर से काफ़ी छोटा हुआ करता था और वो ज़्यादातर छिपे हुए छायादार जगहों पर रहते थे। डायनासोर्स की साइज तो बड़ी थी, लेकिन छोटी ब्रेन के कारण वो इतने चालाक नहीं थे। एग्जाम्पल के तौर पर स्टेगोसोरस और ट्रूडोन को ही देखें तो स्टेगोसोरस के विशाल आकार के बावजूद वो सबसे डम्बेस्ट डायनासोरों में से एक था, जहाँ पर ट्रूडोन के आकार छोटे होने पर भी वो बहुत इंटेलिजेंट थे और बड़े शिकार को मारने के लिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के द्वारा झुंड बनाया करते थे। उसी तरह अगर हम प्रिमिटिव मानवों की बात करें तो वो हजारों साल पहले भी विशालकाय मैमोथ, सेबर टूथ टाइगर और डायरोल्फ जैसे खतरनाक शिकारियों के साथ कोएग्जिस्ट कर चुके हैं। सिर्फ कोएग्जिस्ट ही नहीं, बल्कि मानवों ने तो उनका शिकार भी किया है, जिनमें से मानवों के अलावा आज सभी जानवर पृथ्वी से विलुप्त हो चुके हैं। इसीलिए सिर्फ साइज नहीं, बदलते हुए कंडीशन से बेहतर दिमाग और खुद को एडाप्ट करने की क्षमता किसी भी जीवों की प्रजाति को लॉन्ग टर्म में एग्जिस्ट करने में सहायक होती है, जो कि डायनासोर्स में कमी थी। फिर भी चाहे आप कितनी भी पॉसिबिलिटीज पर डिबेट कर लें, लेकिन वास्तव में स्तनधारियों के लिए पृथ्वी पर विकसित होने के लिए 66 मिलियन वर्ष पहले उस विलुप्त होने के महत्व को कम नहीं आंक सकते हैं। जिन डायनासोर्स ने 160 मिलियन वर्षों तक पृथ्वी पर अपने बड़े आकार और डोमिनेंस के कारण आधिपत्य बनाए थे, बिना उस एस्ट्रॉइड के टकराए आसानी से सिर्फ 66 मिलियन वर्षों में खत्म नहीं होती, और ना ही पृथ्वी पर बाकी स्तनधारियों के जैसे मानव प्रजाति इतने विकसित हो पाते। सो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।